कपड़ वाला। और आज की बहुत बड़ी खबर, कानपुर हत्याकांड से जुड़ी। 6 दिन बाद आखिरकार गैंगस्टर विकास दुबे को गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन से हुई है विकास की गिरफ्तारी। आपको बता दें, एनकाउंटर के डर से सरेंडर करना चाहता था विकास, महाकाल के मंदिर पहुंचा। देखिए बहुत बड़ी खबर है, और 7 दिन बाद आखिरकार गैंगस्टर विकास दुबे, जिसकी तलाश के लिए 100 से ज्यादा टीमें बनाई गई थी, आखिरकार उसे पकड़ लिया गया है। एनकाउंटर के डर से सरेंडर करना चाहता था विकास, उज्जैन के महाकाल मंदिर गया, जोर से शोर करने लगा, चिल्लाने लगा, मैं विकास दुबे कानपुर वाला। फिर पुलिस को बुलाया गया, पुलिस ने गिरफ्तारी की। गिरफ्तारी पर एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने फोन पर बात की है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। और कानपुर हत्याकांड पर बहुत बड़ी खबर है। सबसे पहले न्यूज नेशन आपके चैनल ने इस खबर को ब्रेक किया था। और ये देखिए, ये उस वक्त की तस्वीर है जब विकास दुबे को पकड़कर पुलिस थाने लेकर जा रही थी। मंदिर के परिसर से पकड़ा गया, उज्जैन के महाकाल मंदिर में सुबह दर्शन किए, और फिर जब वो बाहर आया तो चिल्लाया, मैं विकास दुबे। ये देखिए विकास दुबे, ये इस वक्त आप देख रहे हैं, पुलिस दोनों तरफ विकास दुबे को ले जाती हुई, और ये आज सुबह ही धर दबोचा गया है, सुबह ही पकड़ा गया है। आसपास आप देख रहे हैं कि मंदिर के सुरक्षा गार्ड भी है, और आगे पुलिस जो दोनों तरफ से विकास को उसकी बाहों से पकड़कर आगे ले जा रही है, और फिर इस गाड़ी में बिठा करके उसको ले गई थाने तक, थाने ले गई। और अब देखिए दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं, और उन दो तस्वीरों से जरा पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करिए कि आज सुबह क्या हुआ। महाकाल से गिरफ्तारी हुई, पुलिस ने फिर पिटाई की। पुलिस ने पिटाई क्यों की, जरा सुनिए, ध्यान से सुनिएगा इसे। अरे यार अंदर ले लो यार, शर्मा जी में मरवाओगे। चलो ले लो, अंदर ही ले लो यार। अरे चल वाला, अरे हवा ही नहीं हो यार, ये यार गाड़ी नहीं है। अरे यार अंदर ले लो यार, शर्मा जी में मरवाओगे। तो विकास दुबे बार बार चिल्ला रहा था, मैं विकास दुबे कानपुर वाला। मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। अरे हवाई नहीं हो यार, ये यार गाड़ी नहीं है। लंदर ही ले लो यार। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लिया। मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। अरे हवाई नहीं हो यार, ये यार गाड़ी नहीं है। लंदर ही ले लो यार। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लिया। अरे हवाई नहीं हो यार, गाड़ी नहीं। और देखिए बार बार चिल्ला करके ये कहना, मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला, ये दरअसल विकास दुबे का डर है। विकास दुबे को मन में ये डर है कि उसके साथियों की तरह उसका भी एनकाउंटर ना हो जाए। विकास दुबे नहीं चाहता था कि यूपी में उसकी गिरफ्तारी हो, यूपी की पुलिस उसको गिरफ्तार करे, वो सरेंडर करना चाहता था, इसीलिए महाकाल मंदिर गया पूरी प्लानिंग के साथ। चिल्लाया, मैं विकास दुबे कानपुर वाला। जो वहां पर सुरक्षा गार्ड थे उन्होंने पुलिस को इत्तला की, पुलिस वहां पर आई, विकास दुबे को गिरफ्तार किया, और फिर जब पुलिस उसको ले जा रही थी तो बार बार चिल्लाकर विकास दुबे कह रहा था, मैं विकास दुबे कानपुर वाला। ये डर साफ तौर पर विकास दुबे का सामने आ रहा है। ये देखिए 7 दिन बाद आखिरकार अरेस्ट हुआ है विकास दुबे, कुख्यात गैंगस्टर जिस पर 60 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। और इटावा में आज सुबह ही उसका साथी ढेर हुआ, बउआ शुक्ला ढेर हुआ, जिस पर 50,000 का इनाम था। प्रभात भी मारा गया, प्रभात भी सहयोगी था विकास दुबे का, उसके हर जुर्म में, हर वारदात में ये दोनों सहयोगी हरदम उसका साथ देते थे। और इन दोनों का एनकाउंटर हुआ कानपुर में, काम तमाम हुआ प्रभात का, उसे फरीदाबाद से पकड़ा गया। फरीदाबाद से आपको याद होगा विकास दुबे की भी एक तस्वीर सामने आई थी सीसीटीवी फुटेज में, विकास दुबे भी लगातार कहा जा रहा था कि ये विकास दुबे ही है, और यहीं से भाग करके वो सीधा उज्जैन चला गया। रास्ते में पुलिस नहीं पकड़ पाई, लेकिन फिर उज्जैन के महाकाल मंदिर में जाकर उसे पता था कि अब तो मैं बच नहीं सकता। अब आखिरकार वहां जाकर जोर जोर से चिल्लाकर उसने सबको बता दिया कि देखिए मैंने खुद कहा कि मैं विकास दुबे कानपुर वाला, पुलिस आई गिरफ्तार किया। अब मध्य प्रदेश पुलिस की गिरफ्त में है। देखिए जिस तरह से पुलिस का ऑपरेशन चल रहा था, और इसके गैंग के 5 अपराधी आज सुबह तक मार गिराए गए हैं, और कई अन्य अपराधी जो हैं पुलिस की गोली से घायल हुए हैं या गिरफ्तार किए गए हैं, तो निश्चित रूप से ये अपनी जान बचाने के लिए जगह जगह भाग रहा था। इसको
हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से कहा भी था कि ये जो है यहाँ पर आ जाए, कानपुर पुलिस को सरेंडर कर दे। अभी हमको उज्जैन से ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुआ है, मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई है कि इसने वहाँ पर सरेंडर किया है, तो अब हम इसका पुलिस रिमांड बनवाएंगे और इसको अपने मुकदमे में इसको यहाँ पर लेकर के आएंगे और सजा दिलवाएंगे। तो देखिए, कानपुर पुलिस के अधिकारी बताते हुए कि ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें अभी उज्जैन की तरफ से यहाँ पर नहीं आई है, लेकिन अब पुलिस रिमांड बनाकर उसको रिमांड पर लेने की कोशिश की जाएगी, उसको लेने के लिए जाएंगे। अब जो पूरी आगे की प्रक्रिया है उसकी तैयारी कानपुर पुलिस कर रही है। स्पेशल टीम बनाने की बात भी चल रही थी कि स्पेशल टीम जाएगी विकास दुबे को लेने के लिए और बाकायदा प्लेन से, विमान से उसको लेकर यूपी आएंगे। और हमारे साथ इस वक्त शुभम मौजूद हैं जो कि भोपाल में हैं, और साथ ही साथ अनिल यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। अनिल, आपका रुख करते हुए, इस समय क्या खबर लखनऊ से आ रही है, क्या तैयारी चल रही है विकास दुबे को लाने के लिए, क्या टीम रवाना हो चुकी है? बिल्कुल, देखिए, यूपी का नहीं इंडिया का मोस्ट वांटेड बन गया था विकास दुबे, और 6 दिन से तमाम स्टेट की पुलिस उसे ढूंढ रही थी। तो अब उज्जैन से एक बड़ी खबर आई है कि वो पकड़ लिया गया। तो मुख्यमंत्री के पास अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी पहुंचे हैं, डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी पहुंचे हैं, और उन्होंने मुख्यमंत्री को ब्रीफ किया है। मुख्यमंत्री ने उनसे जानकारी ली है, बताया गया है कि वो पकड़ा गया है। तो बहुत राहत की बात है यूपी पुलिस के लिए, क्योंकि प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था 8 पुलिसकर्मियों को शहीद करने के बाद, और यूपी पुलिस का एकमात्र सिंगल पॉइंट प्रोग्राम था कि जिंदा या मुर्दा विकास दुबे का पकड़ा जाना। उसके 5 साथी ढेर किए जा चुके हैं, और विकास दुबे पर भी शिकंजा लगातार कसता जा रहा था, और जिस तरह से उसके 5 साथियों का एनकाउंटर हुआ, ये दबाव ही था कि विकास दुबे सरेंडर करने के रास्ते तलाश रहा था। और कल खबर थी कि वो फिल्म सिटी नोएडा में जा सकता है, किसी न्यूज़ चैनल के मार्फत वो ऑन एयर गिरफ्तारी कर सकता है, लेकिन वहाँ पर पुलिस ने अपनी संख्या बढ़ा दी, चेकिंग बढ़ा दी, जिसके बाद अब वो उज्जैन पहुँचा है। हालांकि कैसे वो दिल्ली NCR से होता है उज्जैन पहुँचा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि पुलिस जब कह रही थी कि सिक्योरिटी बहुत टाइट है, सुरक्षा बहुत ज़्यादा है, तो कैसे पहुँच गया। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात है कि पुलिस का ही दबाव है जो उसको सरेंडर करने पर मजबूर किया है, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि पुलिस से वो ज़्यादा बच नहीं पाएगा। इस वक्त हमारे साथ सूर्य कुमार शुक्ला भी जुड़ गए हैं जो कि यूपी पुलिस के पूर्व DGP रह चुके हैं। सूर्य कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन पे। सर, अभी अभी खबर आई कि विकास दुबे गिरफ्तार हुआ थोड़ी देर पहले, और जो तरीका उसने अपनाया, उज्जैन के महाकाल मंदिर जाकर चिल्लाने लगा मैं विकास दुबे कानपुर वाला, तो कहीं ना कहीं आप साफ तौर पर ये देख रहे हैं कि ये डर था कि विकास दुबे नहीं चाहता था कि उसका एनकाउंटर हो या उसको यूपी की पुलिस गिरफ्तार करे, तो ये पूरा प्लानिंग के तहत मध्य प्रदेश जाकर उसने सरेंडर किया या गिरफ्तारी हुई? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। सबसे पहले तो बधाई है यूपी पुलिस को, जिन्होंने लगातार उसका पीछा किया, जहां कहीं भी खबर आई इतनी धीमे बन और उनके कारण उसने महाकाल और उनके बारे में यह बात कि वो जीवन दान के चरण में चला गया, और ये भी सहयोग करके यूपी पुलिस को कार्य में मदद, और इसी के साथ ये भी खुल गया कि हम लोग के सुधार की योजना को क्रियान्वयन करना चाहिए। सूर्य कुमार जी, आपको रोक रही हूँ, सर आपका आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत है, वो तकनीकी जो दिक्कत आ रही है हम उसको ठीक कर लेते हैं और आपके पास मैं फिर लौटूंगी। लेकिन आपको बता दें कि आखिरकार विकास दुबे की गिरफ्तारी हो गई। आइए, विकास दुबे की गिरफ्तारी की इनसाइड स्टोरी अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं कि क्या हुआ था आखिरकार। देखिए, महाकाल मंदिर के बाहर से गिरफ्तारी होती है विकास दुबे की, और उसके बाद सबसे पहले सुरक्षा गार्ड ने गैंगस्टर को पहचाना, देखा ये विकास दुबे है, और फिर क्या किया, मीडिया का जमावड़ा देख करके खुद को विकास दुबे बताया, चिल्लाने लगा मेरा नाम विकास दुबे, मैं कानपुर वाला। जान बचाने के लिए गार्ड को अपना आधार कार्ड दिखाया, उसने अपना आधार कार्ड दिखाया गार्ड को। पहचान साबित होने के बाद गार्ड ने क्या किया, पुलिस को इत्तला दी, फोन किया। महाकाल पुलिस ने विकास दुबे को कस्टडी में लिया, उसको थाने लेकर गई। 7 दिन बाद मध्य प्रदेश पुलिस के हत्थे चढ़ा है मोस्ट वांटेड आखिरकार, क्योंकि चप्पे चप्पे पर पुलिस यूपी में तैनात की गई थी, हर जगह निगरानी रखी जा रही थी। कोरोना से निजात के लिए लगातार पुलिस
जो थी वहां लगी हुई थी, फिर पुलिस को पूरा शिफ्ट हुआ। और आपको ये भी बता दें कि गैंगस्टर को एनकाउंटर किए जाने की आशंका थी और इसीलिए पूरी प्लानिंग के तहत वो मध्य प्रदेश गया। और ये जरा मैप के जरिए समझिए, कानपुर में था, कानपुर से होते हुए वो आगे बढ़ा, औरैया, दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, ग्वालियर और फिर उसके बाद ये उज्जैन पहुंचा। अब ये जो पूरा कानपुर से अगर उज्जैन की अगर रास्ते की मैं बात करूं तो तकरीबन 700 किलोमीटर के आसपास का ये सफर रहता है, 11-12 घंटे लग जाते हैं। लेकिन इतने घंटे होते हुए सफर करते हुए पहुंचा, रास्ते में उसे कहीं क्या पुलिस ने नहीं देखा, क्या नहीं रोका, ये सवाल जरूर खड़ा होता है। क्योंकि लगातार हम कह रहे हैं कि हर बॉर्डर पर पुलिस चौकन्नी थी। देखिए, वो यहाँ से गुरुग्राम, फरीदाबाद, हरियाणा पहुंचा, इधर दिल्ली पहुंचा, फरीदाबाद, गुड़गांव पहुंचा, फिर उसके बाद होता हुआ वो मध्य प्रदेश पहुंचा, उज्जैन तक पहुंच गया। यानी कि ये सोचिए, हरियाणा के बॉर्डर के बाद जब वो मध्य प्रदेश के बॉर्डर को भी क्रॉस करके अंदर तक उज्जैन तक पहुंच गया, रास्ते में क्या नहीं देखा। लेकिन जो भी हुआ, अब आखिरकार गिरफ्तारी हो गई है। शुभम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लगातार हमारे संवाददाता भोपाल में मौजूद है। शुभम, सबकी नजरें आज उज्जैन पर है जहां से विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई है। अभी खबर वहां से क्या आ रही है? अभी अज्ञात जगह पर ही पुलिस के साथ है विकास दुबे। देखिए, आप ये इस पूरे मामले को खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देख रहे हैं और अभी हम सुन रहे थे उत्तर प्रदेश से पुलिस को, जिन्होंने कहा कि अभी हमें ऑफिशियल जानकारी पुलिस की ओर से नहीं आई गई है। मगर दूसरी ओर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद ट्वीट कर ये जानकारी दे दी है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फ़ोन पर चर्चा की है और ये कह दिया है कि जल्द ही हम उत्तर प्रदेश को इस कुख्यात गैंगस्टर को, विकास दुबे को सौंप देंगे। तो अगर हम आज ही की बात करें, यानी कि आगामी 5-6 घंटे की बात करें, तो इसके भीतर ही विकास दुबे को उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा जा सकता है। मगर एक चीज़ यहां से स्पष्ट हो गई है कि विकास दुबे को एक तरह से गिरफ्तार तो किया ही गया है, मगर ये गिरफ्तारी उसने खुद दी है। क्या विकास दुबे ये बात नहीं जानता था कि महाकाल मंदिर में पुलिस का इंतजाम होगा? क्या विकास दुबे को यह नहीं पता था कि यहाँ पर भी CCTV कैमरे लगे होते हैं और वो आसानी से पकड़ा जा सकता है? खुद वहाँ पर जाकर 250 रुपये का जो दर्शन होते हैं वो स्लिप खरीद है, वहां पर अपना नाम भी विकास दुबे बताता है, अपना आधार कार्ड बताता है और सुरक्षा एजेंसी जब उससे पूछा गया तो खुद ही कहता है कि हाँ, मैं विकास दुबे हूँ। और उसके बाद जिस वीडियो में हम देख रहे हैं, जब मीडिया वहाँ पर जमा था पहले से ही महाकाल मंदिर के कवरेज के लिए, उन्हें बार बार जोर से ये कहा गया कि मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। तो यहाँ पर एक चीज़ तो स्पष्ट हुई है कि विकास दुबे ने खुद गिरफ्तारी दी है और गिरफ्तारी इसलिए दी है, सरेंडर इसलिए किया है क्योंकि उसे भी पूरी तरह से ये डर था कि जिस तरह से उसके 5 साथियों का एनकाउंटर उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया है, उसके साथ भी यही हर्ष होने वाला है, जिस तरह से उसने 8 पुलिसकर्मियों को कानपुर में शहीद किया था। तो फिलहाल अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। मगर जो आपने प्रश्न किया था कि क्या अभी भी उसी सिक्योर प्लेस पर, गुप्त स्थान पर विकास दुबे को रखा गया है, चूंकि ये एक बड़ा मामला है, एक बड़ा गैंगस्टर है, कुख्यात गैंगस्टर है, कुछ लोग उसके साथी भी होने की खबर है कि 3 साथी उसके साथ और भी महाकाल मंदिर तक पहुंचे थे और पुलिस इस बात की भी जानकारी में जुट गई है, लगातार इंट्रोगेशन विकास दुबे से चल रहा है कि आखिर फरीदाबाद में जब वो देखा गया था 700-800 किलोमीटर का सफर तय कर वो उज्जैन कैसे पहुंचा, कौन से ऐसे लोग थे जिसने उसकी मदद की थी, क्या वो भी उज्जैन में ही मौजूद है? तो ये तमाम तरह की जानकारियां पुलिस भी इस वक्त उससे ले रही है, मगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि जल्द ही उसे उत्तर प्रदेश सौंप दिया जाएगा। ठीक है, आपको रोकना चाहूंगी शुभम। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, SP अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। सरकार बताए कि ये गिरफ्तारी है या एनकाउंटर है, ये सरकार को बताना चाहिए। मोबाइल की CDR सार्वजनिक की जाए, CDR से सच्ची मिलीभगत का भंडाफोड़ होगा कि आखिर विकास दुबे किस किस से बात कर रहा था, कौन कौन उसके संपर्क में था और कौन उसके असल में संरक्षक बने हुए थे, या सरकार में, या राजनीति में, या फिर पुलिस में। मोबाइल की CDR सार्वजनिक की जाए, ये मांग अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री ने की है, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने की है। अखिलेश यादव ने बाकायदा ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए कहा कि सरकार बताए गिरफ्तारी है या फिर सरेंडर। अनिल यादव लखनऊ से हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। अनिल, विपक्ष अब सवाल उठा रहे, विपक्ष कह रहा है कि सरकार ये स्पष्ट करे और साफ तौर पर कहे कि सरेंडर है या गिरफ्तारी, स्पष्ट करना चाहिए, यानी कि सीधे तौर पर निशाना साध रहे हैं अखिलेश यादव। बिल्कुल, देखिए, ये सिर्फ सियासत के लिए सियासत है, ये सबको पता हो गया है, किसी से छिपा नहीं है कि विकास दुबे के हर पार्टी से कनेक्शन थे, जो पार्टी सत्ता में रहती थी उसके करीब हो जाता था वो। अखिलेश यादव के साथ भी विकास दुबे के गैंग के कई साथियों के फोटो हैं, इस वक्त जो मौजूदा सरकार है उसमें शामिल कई अधिकारियों और मंत्रियों के साथ भी उसके गुर्गों के फोटो हैं और पहले जो सरकारें रहीं उनके साथ भी रहे।
तो जो भी सरकार रहती थी उसके करीब हो जाता था। और यूपी पुलिस ने इसमें कोई दोराय नहीं है कि उससे शुरुआत में चूक हुई थी, जब उसको गिरफ्तार करने गई थी उस चूक का नतीजा था कि उसके 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए, लेकिन उसके बाद यूपी पुलिस ने शिकंजा कसा था और यही वजह है कि विकास दुबे सरेंडर करने को मजबूर हुआ। अब अपोजिशन का रोल अदा करते हुए अखिलेश यादव भले ट्वीट करते रहे, हालांकि वो ट्वीट करने के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने ट्वीट करके एक सवाल उठाया, लेकिन बहुत मुझे लगता है कि इस वक्त बहुत मौजूद नहीं है उनका सवाल कि सवाल उठाना पुलिस की कार्रवाई पर। ठीक है अनिल, बहुत हमारे साथ आप बने रहिएगा और जानकारी के लिए आप तक पहुंचेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज नेशन पर इस वक्त की बड़ी खबर, विकास दुबे गिरफ्तार हो गया है, कुख्यात गैंगस्टर जो अब तक 60 से ज्यादा मामले उस पर दर्ज है। और आपको बता दें कि कई मामलों में मर्डर के आरोप विकास दुबे पर लग चुके हैं। इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। यहां रुक रहे हैं बस कुछ ही देर के लिए।